बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद की आमद आमद है, जिसकी वजह से आज हमने ईद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिश जो सबके घर में ज़रूर बनती है, शीर खुरमा बनाया है। और बहुत ही आसान रेसिपी से और बहुत जल्दी बन जाने वाला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें हम शीर खुरमे के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने आधा पैकेट सिवैया ली है, उसको बारीक बारीक तोड़ लिया है। 100 ग्राम मैंने खोया लिया है, जो कि हमारे शीर खुरमे को बहुत मज़ेदार कर देगा। साथ में मैंने 4 से 5 खजूरें ली हैं नरम वाली, और देखिए मैंने उसको इस तरह काट लिया है। और ये मेरे पास मेवा है तमाम, इसके अंदर खोपरा है, बादाम है, पिस्ते हैं, और सब इसके अंदर चीज़ें हैं। और ये देखें 3 से 4 हम लेंगे इसके अंदर इलायची, और इलायची को देखें मैंने बीच में से तोड़ लिया, उसके बीच भी नहीं। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़्यादा लें कम लें, जैसा आपको मीठा पसंद है। और ये देखें आप, दूध मेरा बॉयल हो रहा है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया था, यानी 1.5, और उसके बाद मैंने इसको पका कर ये इसको पकाना है आपने बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन रह गया है 1 किलो, रह गया 1 किलो से भी ये कम रह गया है, और अभी भी ये पक रहा है। आपने भी इसी तरह पहले से पकाने रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। चमचे हम असली घी लेंगे, आप चाहें तो मक्खन ले लें, असली घी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब आप इसके अंदर अपनी इलायचियाँ डाल देंगे। इलायचियों की ज़रा खुशबू आने दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सिवैयाँ। देखें इलायची का ज़रा सा कलर भी चेंज हो गया है, साथ में इसकी खुशबू भी अच्छी सी आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिवैयाँ। सिवैयों का हमने कलर बहुत अच्छी तरीके से हल्के चूल्हे के ऊपर फ्राई करना है, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। बाज़ लोग तेज़ चूल्हे में फ्राई कर लेते हैं इसको, और बाद में इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन सा हो जाता है, जिससे हमारे शीर खुरमे का कलर भी ख़राब हो जाता है। आहिस्ता बिल्कुल चूल्हे पे लो फ्लेम पे आपने इसको हल्का हल्का भूनना है, और 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसी वक्त ही हम इसमें मेवा डालेंगे अपना, खजूरें और खोया भी नहीं डलेगा। ईद का तो ये ख़ास होता है शीर खुरमा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब हम इसको फ्राई करते रहेंगे थोड़ी देर तक। जी देखें इसके अंदर कलर्स का लाइट हो गया है थोड़ा सा अच्छा सा, तो अब हम इसके अंदर, और खुशबू भी आने लग गई है, तो अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे अपनी। शुगर को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, साथ में अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। दूध देखें पक पक के बिल्कुल हमारा गाढ़ा हो गया है, खुशबू इस वक्त बहुत ही अच्छी आ रही है। जो कॉर्नर पर आपकी सेवैयाँ लगी हैं वो आप अपने स्पून से इसको साफ़ कर लीजिएगा। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए अब मैं इसको आराम से हल्के चूल्हे के ऊपर पकने दूंगी, चमचा भी चलाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसके गाढ़े होने का इंतज़ार करें। हमारा शीर खुरमा जो है इसका दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपना खोया डाल देंगे। खोया से ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। साथ में हम थोड़ी सी, जितनी हमने खजूरें ली उससे आधी हम इसके अंदर खजूरें डाल देंगे। खजूर हमारे शीर खुरमे को मज़ीद मज़ेदार कर देगी। हमारे यहाँ तो ज़रूर शीर खुरमा बनता है, हमारे घर के आदमी नमाज़ पढ़कर आते हैं तो हम उनको सबसे पहले शीर खुरमा ही खिलाते हैं। अब ये पकेगा 3 से 4 मिनट, फिर हमारा इसके बाद शीर खुरमा तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। देखें आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। ईद की बहुत इम्पोर्टेंट ये स्वीट डिश है, सब घर में बनती है। और ईद की खुशियों में आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सबको मैं एडवांस में ईद मुबारक कह रही हूँ। साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।